Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is binary search tree. Binary search tree. Beta, this is a special type of binary tree जिसमें क्या properties होती हैं, जो parent node है पेरेंट नोड से लेफ्ट नोड ऑलवेज स्मॉल होएगा और जो राइट नोड होगा वो ऑलवेज हैविंग द ग्रेटर वैल्यू. फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 34 हैविंग स्मॉल एलिमेंट 14 एट लेफ्ट हैविंग ग्रेटेस्ट एलिमेंट ग्रेटर एलिमेंट 39 हियर इज स्मॉल एलिमेंट हियर इज ग्रेटर एलिमेंट. बेटा मतलब बिगर एलिमेंट लेना होता है हमने पेरेंट से रूट नोड से राइट हैंड साइड पे एंड स्मॉल एलिमेंट लेना होता है हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे. बट स्टिल रजे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. मान लो जैसे मैंने यहीं पे बात कर रही हूँ 14 से मैंने ग्रेटर लेना है लेकिन साथ के साथ ही इस पर्टिकुलर नोड के लिए मैंने इसका लेफ्ट सब ट्री की प्रॉपर्टी भी लॉस नहीं करनी. ये नहीं कि यहाँ पे मैं अगर 36 लिख रही हूँ सपोज दैट नो डाउट 36 इज ग्रेटर देन 14 बट 36 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 34. 34 के लेफ्ट हैंड साइड पे उससे स्मॉल एलिमेंट ही आएगा सो यहाँ पे 36 मैं नहीं लिख सकती. बट अगर मैं यहीं पे 32 करती हूँ तो आई कैन राइट 32. क्यों? क्योंकि 32 जो है वो 14 से तो बड़ा है ये साथ के साथ ही वो 34 से क्या है छोटा भी है. तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इसकी सब ट्री की प्रॉपर्टी जो है उसको भी क्या कर रहा है रिजॉल्व कर रहा है. क्लियर समझ आई इस चीज की? क्या मैं बोल रही हूँ कि जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है लाइक मैं यहाँ पे 32 लिख रही हूँ वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी तो रिजॉल्व करेगा ही. जो पेरेंट की प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा ही करेगा लेकिन साथ के साथ ही ग्रैंड पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको भी होल्ड करेगा. मतलब 32 जो है वो लेस देन ही होना चाहिए 34. सेम हेयर बेटा लाइक 36 मैं 39 से स्मॉल वैल्यू लूंगी दैट इज मे बी द 36. नो डाउट ये 39 से छोटी है लेकिन 34 से बड़ी वैल्यू ही लूंगी. क्यों? क्योंकि मैं जो है साथ के साथ राइट सब ट्री के बारे में भी राइट सब ट्री की प्रॉपर्टीज जो है उसको भी होल्ड करती हुई प्रॉपर्टी ली जाएगी. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी सर्च. अब हम बात करते हैं मान लो कोई एलिमेंट मैंने सर्च करना चाहती हूँ विद इन द बाइनरी सर्च. तो अगर कोई एलिमेंट सर्च करना चाहती हूँ बेटा जैसे मान लो अभी मेरे को 44 ही सर्च करना था तो मैं क्या करूँगी पहले 34 से शुरू करूँगी. अगर मेरा 44 जो है वो 34 से क्या है बड़ा है तो मेरे को पता है 34 से बड़ा है तो मेरा किस साइड होएगा राइट हैंड साइड. तो मैं 34 के कहाँ आ जाऊँगी राइट हैंड साइड आ जाऊँगी कंपैरिजन करती हुई. नाउ मैंने 44 चेक करा 39 के साथ मेरा 39 से क्या है बड़ा देन मैं राइट हैंड साइड आ जाऊँगी. 44 को मैंने चेक किया मेरा 44 जो है वो 39 से क्या है बड़ा है तो 44 को चेक किया 44 के क्या इक्वल है तो दिस मीन्स आइटम इज प्रेजेंट एट लोकेशन दिस. क्लियर? नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम. मान लो मैं फाइंड या सर्च नाम का एल्गोरिथम बना रही हूँ. हियर राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड हियर राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वेरिएबल. ये बेटा मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हो सकता है कि जिस ट्री में हम सर्च करना चाह रहे हैं वो ट्री एग्जिस्ट ना कर रहा है. तो वो ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो कौन सा कंडीशन होगा इफ रूट इज इक्वल टू नल. अगर मेरा रूट नल है दिस मीन्स कि ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मेरी लोकेशन भी क्या आ जाएगी देन सेट लॉक इज इक्वल टू नल. लॉक मतलब मैं करंट की जो बेटा लोकेशन है उसको क्या ले रही हूँ लॉक और जो मेरी प्रीवियस की पेरेंट की लोकेशन है उसको मैं ले रही हूँ पार और पार की लोकेशन भी मेरी क्या आ जाएगी नल. मतलब पेरेंट भी नहीं होता रूट नोड तो वैसे एक स्पेशल नोड है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता. अगर मेरा रूट नल है दिस मीन्स ट्री एग्जिस्ट नहीं करता और साथ के साथ ही मैं क्या कर जाऊंगी एग्जिट. दिस इज हियर इज द एंड इफ. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट स्टेप में मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरा रूट नल है तो दिस मींस लोकेशन भी नल होएगी और उसका पेरेंट भी नल होएगा, तो इसका मतलब साथ के साथ ही मैं क्या कर जाऊंगी, एग्जिट। सेकंड केस है इफ मान लो मेरी जो आइटम है वो कहाँ पड़ी है, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ रूट, अगर वो रूट के इंफॉर्मेशन पार्ट में पड़ी है, मतलब आइटम मेरे को शुरू में ही मिल गई है, देन मेरी रेजी लोकेशन कौन सी आ जाएगी, सेट लॉग इज इक्वल टू रूट, मेरी रूट पे ही लोकेशन। क्या रूट एक ऐसा स्पेशल नोड होता है जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होता, तो दिस मीन्स अगर मेरी लोकेशन रूट पे है तो इसका पेरेंट मेरा क्या होएगा, पेरेंट स्टिल क्या होएगा, नल। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड बेटा साथ के साथ ही मैं क्या कर जाऊंगी, एग्जिट। अगेन हियर इज द एंड इफ। फर्स्ट केस था जब कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लोकेशन भी नल है, पेरेंट भी नल है। सेकंड केस है मेरा जब मेरी आइटम जो है वो रूट पे ही है, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ रूट पे पड़ी है, तो दिस मीन्स लोकेशन मेरी कौन सी आ जाएगी, रूट की, पर रूट का पेरेंट क्या होता है, मेरा नल। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, इफ आइटम इज लेस देन इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ रूट, मतलब जो मैंने आइटम सर्च करनी थी वो मेरी रूट से छोटी है। तो मैं पहले ही आपको एग्जांपल में बता चुकी हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री में जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस मीन्स हम सेट क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल ले रही हूँ बेटा करंट नोड के लिए, पी टी आर इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ रूट, क्योंकि आइटम छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड होएगा ना। एंड बेटा जो प्रीवियस की मैं रख रही हूँ, प्रीवियस के लिए मैं सेव पॉइंटर रख रही हूँ, सेव पॉइंटर में मैंने किसकी रख दी, रूट की इंफॉर्मेशन। अब मैं रूट से नेक्स्ट मूव जो है वो करके। क्लियर। एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि मेरी आइटम जो है वो क्या है, बड़ी है, बड़ी है तो मैं किस साइड मूव करूंगी, टू वर्ड्स आर राइट। एल्स में क्या होगा, सेट पी टी आर इज इक्वल टू राइट ऑफ रूट, एंड मैं सेव में क्या डाल दूंगी, रूट की वैल्यू। क्लियर। एंड इफ नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप, पूरी का पूरा प्रोसीजर रिपीट होएगा वाइल, जब तक कि मेरा पॉइंटर क्या नहीं हो जाता, पी टी आर इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि मेरा पॉइंटर नल नहीं हो जाता बेटा पूरे का पूरा प्रोसीजर रिपीट होएगा। पहले मैंने रूट के लिए करा था, अब सेम का सेम प्रोसीजर जो है मैं रेस्ट ऑफ नोड्स के लिए अप्लाई करूंगी। कैसे, इफ आइटम इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पी टी आर, जहां पे मेरा पॉइंटर है, अगर मेरे को आइटम वही मिल गई है, देन सेट लोकेशन मेरी कहाँ पे होगी, पी टी आर में, और जो प्रीवियस की लोकेशन थी, प्रीवियस कौन था, उसका पेरेंट, एंड पेरेंट की लोकेशन किसके पास होगी, सेव में। करंट की इंफॉर्मेशन पॉइंटर रख रहा है एंड प्रीवियस की इंफॉर्मेशन कौन रख रहा है, सेव रख रहा है। क्लियर। एंड हियर इज, एंड साथ के साथ ही मैं क्या कर जाऊंगी, एग्जिट, क्योंकि मेरे को लोकेशन मिल गई, अदरवाइज एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज सिक्स स्टेप, सिक्स स्टेप क्या कह रहा है, अब यहां तो आइटम छोटी होगी, आइटम बड़ी होगी, इफ आइटम इज, बेटा जो केस तुम लोगों ने रूट के लिए स्पेशल केस लगाया था, पॉइंटर के लिए, नेस्ट ऑफ नोड्स के लिए भी सेम केस लगाना है। इफ आइटम इज लेस देन इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पी टी आर, देन सेव इज इक्वल टू पी टी आर, और नीचे जाने के लिए क्या करोगे, पी टी आर इज इक्वल टू, क्योंकि लेस देन है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑफ पी टी आर। else
यहाँ तो बेटा आइटम इक्वल होनी थी, इक्वल के लिए हमने चेक कर लिया, या आइटम हमारी क्या है लेस है, एल्स आइटम क्या है ग्रेटर, ग्रेटर है तो सेव इज इक्वल टू, अगर ग्रेटर है तो अगेन सेव इज इक्वल टू पीटीआर एंड पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर, क्लियर, एंड इफ एंड लूप, जो वाइल लूप लगाई उसको भी एंड करेंगे ना, सेवन स्टेप, ये भी तो हो सकता है कि हमारी सर्च अनसक्सेसफुल हो, एलिमेंट बीच में हो ही ना, एलिमेंट बीच में नहीं है तो सेट क्या करोगे, लोकेशन हमारी क्या आ जाएगी नल, बट प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो पेरेंट की इंफॉर्मेशन है वो इसके पास रहेगी सेव के पास, सेव ही रखता है ना प्रीवियस की इंफॉर्मेशन, एंड एट्थ में हम क्या कर जाएंगे एग्जिट। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू वी सर्च इन द बाइनरी सर्च ट्री, आई विल अगेन एक्सप्लेन द एल्गो। फर्स्टली बेटा फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, अगर रूट नल है, रूट नल है तो दिस मीन्स हमारा ट्री जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लोकेशन भी हमारी नल होएगी एंड साथ के साथ पेरेंट भी हमारा क्या होगा नल होगा, क्लियर, और एग्जिट कर जाएंगे। अगर आइटम हमें इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ रूट पे मिल गई, दिस मींस आइटम हमारी रूट पे प्रेजेंट है तो लोकेशन हमारी क्या होगी रूट, उसका पेरेंट क्या होगा नल, और साथ के साथ एग्जिट कर जाएंगे। अगर हमारी आइटम जो है वो लेस देन है इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ रूट से, तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लेस देन है तो दिस मीन्स वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो पॉइंटर को किधर कर दोगे लेफ्ट ऑफ रूट, और सेव सेव हमने ऐसा पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो प्रीवियस नोड की इन्फॉर्मेशन रखेगा, रूट की इन्फॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी सेव के पास। एल्स, एल्स मीन्स की आइटम बड़ी है तो वो हम किस साइड मूव करते हैं टूवर्ड्स द राइट, पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ रूट, और सेव में डाल देंगे रूट की वैल्यू। पूरे का पूरा प्रोसीजर कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता। अगर आइटम हमारी इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर की इक्विवेलेंट है, दिस मींस कि लोकेशन हमारी कौन सी आ गई पीटीआर, और सेव के पास क्या आ जाएगा हमारा, सेव के पास क्या की वैल्यू किसमें चली जाएगी पेरेंट में, मतलब प्रीवियस नोड, क्लियर, और साथ के साथ ही क्या कर जाएंगे एग्जिट। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था एंड इफ, क्लियर। नाउ अगेन इफ स्टेटमेंट, बेटा जो हमने कंडीशन स्पेशल नोड रूट के लिए लगाई थी वही हम पॉइंटर वेरिएबल के लिए लगाएंगे। अगर हमारी आइटम लेस देन है इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर में, तो दिस मीन्स हमने लेफ्ट में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करने के लिए क्या करोगे सेव में डालोगे पीटीआर की वैल्यू, और पीटीआर क्या हो जाएगा लेफ्ट ऑफ पीटीआर। अदरवाइज सेव में पीटीआर की ही वैल्यू डालोगे, वी मूव टूवर्ड्स द राइट, पीटीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट ऑफ पीटीआर। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सर्च हमारी जो है वो सक्सेसफुली हो, सम टाइम मे बी द अनसक्सेसफुल सर्च, उस टाइम पे लोकेशन हम क्या करेंगे नल, और पेरेंट की वैल्यू हमेशा सेव में होगी, और साथ के साथ ही क्या कर जाएंगे एग्जिट। अब ये देखो जो मैं बोल रही हूँ कि दो जो नोड हैं उसमें अनसक्सेसफुल सर्च का क्या मतलब है, सपोज दैट राजे आई रेदर देन 44 आई वांट टू सर्च द एलिमेंट दैट इज 49 सर्च करना चाहती हूँ, पहले कंपेयर करूंगी 34 से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, 39 से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, 44 से ग्रेटर है राइट में जाएगा, लेकिन 44 का तो राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा दिस मीन्स आइटम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द लिस्ट, ठीक है, विद इन द ट्री, वो आइटम प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको बोलेंगे अनसक्सेसफुल सर्च, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट योर सेवन्थ स्टेप, जो सेवन्थ स्टेप में मैंने लोकेशन नल करी है एंड पेरेंट में किसकी वैल्यू डाली है सेव की वैल्यू, दिस इज ऑल अबाउट दैट बेटा। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, इफ यू अंडरस्टैंड द लेक्चर बेटा लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। If you have any query or doubt regarding this lecture, then write in the comment section. I will definitely resolve your issue. Thank you.